WhatsApp is a very integral part of our life. हम उस पे photos, videos और कभी कभार necessary files भी send करते हैं. Because of such practices, हमारे जो WhatsApp का backup size है वो काफी ज्यादा huge हो जाता है and resulting into आपका जो WhatsApp है automatic backup नहीं करेगा on your iPhone. तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कौन सी ऐसी problems हैं जिसकी वजह से WhatsApp ने auto backup लेना बंद कर दिया है. So without further ado, let's start today's video. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज आपको चेक कर लिए इन योर आईफोन, दैट इज आपकी iCloud में कितनी स्पेस बाकी है. टू डू दैट आपको चले जाना है सेटिंग्स ऐप में. नाउ टैप ऑन योर एप्पल आईडी, सिलेक्ट iCloud एंड अब आपको यहां पे पता लगेगा कि आपकी iCloud में कितनी स्टोरेज स्पेस बाकी है. अगर आपका iCloud फुल है, आई सजेस्ट कि आप वहां से कुछ डेटा डिलीट कीजिए, अदरवाइज आपका जो WhatsApp बैकअप है आपके iCloud पे सिंक नहीं होगा. Hence, आपका WhatsApp बैकअप नहीं कर पाएगा आपके चैट्स एंड डेटा को. सो आपने चेक कर लिया कि आपके iCloud में स्टोरेज स्पेस है कि नहीं. अगर है तो फिर ये दिक्कत वापस क्यों हो रही है? इसके लिए हमें दूसरी सेटिंग पे जाना पड़ेगा एंड दैट इज टू चेक आपका जो iCloud ड्राइव है वो एक्टिव है कि नहीं. टू डू दैट आपको चले जाना है सेटिंग्स ऐप में, टैप ऑन योर एप्पल आईडी, सिलेक्ट iCloud एंड फ्रॉम देयर टैप ऑन iCloud ड्राइव एंड मेक श्योर कीजिए उसका टॉगल ऑन रहे. टू चेक कौन कौन सी एप्स आपकी iCloud ड्राइव यूज कर रही है, टैप ऑन ऐप सिंकिंग टू iCloud ड्राइव. यहाँ पे मेक श्योर कीजिए कि WhatsApp का जो टॉगल है वो ऑन रहे. सो ये भी करने से आपका जो WhatsApp है वो ऑटोमेटिकली बैकअप नहीं कर रहा चैट, इन दैट केस एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपने शायद WhatsApp को अपने iCloud की परमिशन दी ही नहीं. तो गिव iCloud परमिशन टू WhatsApp, आपको चले जाना है सेटिंग्स ऐप में, टैप ऑन एप्पल आईडी, सिलेक्ट iCloud एंड नाउ टैप ऑन शो ऑल. स्क्रॉल डाउन एंड मेक श्योर कीजिए कि WhatsApp का टॉगल ऑन रहे. आफ्टर डूइंग दिस आपने अपने WhatsApp को iCloud की परमिशन दे दी है. नाउ आई थिंक आपका जो ऑटो बैकअप है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए. ये करने से भी अगर आपका WhatsApp का बैकअप नहीं हो रहा है तो देयर इज अ चांस कि आपका जो प्रीवियस WhatsApp बैकअप है वो करप्टेड है. तो आई सजेस्ट कि आप अपने WhatsApp का प्रीवियस बैकअप डिलीट कर दीजिए, हेंस उसमें कोई भी इतनी ज्यादा काम की चीजें होंगी नहीं अनटिल और अनलेस आपने अपने WhatsApp को फॉर्मेट नहीं मारा हो, बिकॉज दैट विल बी यूज्ड टू रिकवर ऑल योर चैट्स एंड डेटा. एक बार इसको डिलीट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स ऐप में, टैप ऑन एप्पल आईडी, सिलेक्ट iCloud, मैनेज अकाउंट सेटिंग्स एंड सर्च फॉर WhatsApp एंड टैप ऑन डिलीट डेटा. सो नाउ यू हैव डिलीटेड योर ओल्ड WhatsApp बैकअप. नाउ आई सजेस्ट कि आप मैन्युअली अपने WhatsApp का बैकअप ले लीजिए. वो करने के लिए आपको जाना पड़ेगा WhatsApp ऐप में, टैप ऑन सेटिंग्स, गो टू चैट्स, सिलेक्ट चैट बैकअप एंड टैप ऑन बैकअप नाउ. और एक छोटी सी टिप ये भी है, अगर आपका जो बैकअप है इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ वीडियोस, दैट मींस कि आपका जो बैकअप का साइज होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा. इन दैट केस आई सजेस्ट कि आप इंक्लूड वीडियोस का टॉगल ऑफ रखिए. सो नाउ फाइनली आपका WhatsApp बैकअप करना स्टार्ट कर देगा. बट यार मैन्युअली बार बार किसको बैकअप कर लेना अच्छा लगता है? तो इन दैट केस आई सजेस्ट यू सेट अ फ्रीक्वेंसी फॉर ऑटो बैकिंग अप योर WhatsApp डेटा. टू डू दैट यू हैव टू ओपन WhatsApp, टैप ऑन सेटिंग्स, टैप ऑन चैट्स, सिलेक्ट चैट बैकअप एंड फ्रॉम ऑटो बैकअप आप सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी की कितनी बार आपका जो WhatsApp है वो बैकअप लेगा, ऑन डेली बेसिस, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस. यू कैन टर्न इट ऑफ बट आई वोंट सजेस्ट दैट. सो ये सारे मेथड यूज करने के बाद भी अगर आपका जो WhatsApp है वो ऑटोमेटिकली बैकअप नहीं कर रहा है तो आई सजेस्ट कि थोड़ा वेट कीजिए WhatsApp के नए अपडेट आने का. बिकॉज कई बार क्या होता है कि WhatsApp में भी बग्स आ जाते हैं जिसकी वजह से बैकअप रुक जाता है. जरूरी नहीं कि WhatsApp में ही बग हो, कभी कभार iOS में भी बग्स आ जाते हैं, विच इज अ वेरी रेयर सिनेरियो बट समटाइम्स इट हैपेंस. तो आई सजेस्ट आपको चले जाना है सेटिंग्स ऐप में, टैप ऑन जनरल, सिलेक्ट सॉफ्टवेयर अपडेट एंड वेट. अगर कोई अपडेट है देन प्लीज अपडेट योर आईफोन. सो WhatsApp अपडेट करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, iOS अपडेट करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, then in that case I'll suggest that you reset your mobile network. वो करने के लिए आपको चले जाना है settings app में, वहां से चले जाइए general में, scroll down and select transfer and reset iPhone, select reset network settings, put in your password. So ये करने से आपकी जो iPhone की network settings होंगी वो सारी by default पे set हो जाएंगी, hence जितने भी bugs होंगे, problems होंगे, ये issues होंगे वो सब चले जाएंगे. साथ ही साथ इसमें एक catch और ये है,
कि आपका जितने भी वाईफाई के पासवर्ड्स है वो भी डिलीट हो जाएंगे, तो बिफोर डूइंग दैट कीप दिस इन माइंड। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रख लेनी जरूरी है वो ये है कि आईगी ब्लॉग हिंदी को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप ऐसे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए, ताकि यार कभी कभार ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है ना उसके सॉल्यूशंस आपको तुरंत मिल जाए। एंड कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बताइएगा कि कौन सा मेथड आपके लिए यूजफुल रहा। एंड इफ यू आर एप्पल फैनेटिक तो जाओ यार आईजीबी ऐप डाउनलोड करो फ्रॉम ऐप स्टोर एंड एंजॉय एवरीथिंग एप्पल कंटेंट। ऑन दिस नोट, दिस इज मी समीर साइनिंग ऑफ एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।